आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 18 सितंबर से 24 सितंबर 2023 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा इसी विषय पर बात करूंगी। राशिफल बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लिया करिए और अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके आप सुन सकते हैं। अगर आपको अपने जन्म का समय नहीं पता है, ऐसे स्थिति में आप अपने नाम के अक्षर से भी समझ सकते हैं। जो भी आपके नाम का पहला अक्षर है उसको आप सर्च कर लीजिए कि वो किस राशि में आता है और उसका प्रेडिक्शन आप सुन सकते हैं। इसी के साथ में आप नक्षत्रों को भी चेक कर लिया करिए कि जब आप पैदा हुए थे तो उस समय पर कौन सा नक्षत्र में चंद्रमा चल रहा था, वही आपके जन्म का नक्षत्र बन जाता है, तो उसका भी प्रभाव जो होता है बहुत मजबूती से दिखाई पड़ता है। और मेरा जो प्रेडिक्शन होता है सिंपल चंद्रमा के गोचर के ऊपर आधारित होता है। आप लोगों की नेटल चार्ट में जो दशाएं चलती हैं, महादशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, उन सब चीजों का अधिक प्रभाव पड़ता है और मेजर जो रिजल्ट्स होते हैं वहीं से आ रहे होते हैं। इसलिए आप लोग अपने नेटल चार्ट को सबसे अधिक प्राथमिकता दिया करिए। देखिए, नाम से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर किसी का नाम र से आ रहा है, राधा है, रमा है और रमेश है, तो वो तुला अक्षर में आ जाता, तुला राशि में आ जाता है, तो आपकी राशि क्या हो जाएगी? तुला हो जाएगी। तब आप तुला का सुन लीजिए। और जन्म का नक्षत्र कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए जब आप पैदा हुए थे तो चंद्रमा अगर आपका शनि के नक्षत्र में है, शनि के किसी भी नक्षत्र में, पुष्य में हो या फिर वो अनुराधा नक्षत्र हो या फिर वो उत्तरा भाद्रपद में हो, तो आपके जो जन्म का नक्षत्र होगा वो शनि का बन जाएगा। तो शनि के बाद जो दूसरे ग्रह का नंबर आता है, जो हमारे नौ ग्रह होते हैं विषुवत्री में, उनको जो स्थान दिया गया है उसी के हिसाब से आपके ताराओं का निर्धारण हो जाएगा। तो शनि के बाद बुध आता है और बुध के बाद फिर केतु आता है, तो केतु आपका तीसरे नंबर का नक्षत्र बन जाएगा, तो वो आपके लिए विपद तारा में आ जाएगा। फिर केतु के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद फिर आता है सूर्य, तो सूर्य क्या होगा आपका पांचवें नंबर का प्रत्यरी तारा में आ जाएगा। और सूर्य के बाद फिर चंद्रमा, चंद्रमा के बाद फिर मंगल, तो मंगल जो पड़ेगा आप लोगों के लिए वो आपके वज्र तारा में आ जाएगा। तो जब भी चंद्रमा आपके 3 नंबर से, 5 नंबर से और 7 नंबर के ग्रह के ऊपर से, मतलब कि उन नक्षत्रों के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, ये जो आपके विपद, प्रत्यरी और वध नक्षत्र में आते हैं, 3 नंबर के नक्षत्र, 5 नंबर के और आपके 7 नंबर के, तो इनके जो ट्राइन में नक्षत्र आते हैं उनके ऊपर से भी जब चंद्रमा जाता है तो बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। और आपको राशिफल में विस्तार से बताऊं उसके पहले आप सभी व्यूवर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। और इस महीने में, सितंबर के महीने में, कुछ ग्रहों में का राशि परिवर्तन भी होगा और कुछ उनकी प्लेसमेंट चेंज होगी, जिसमें से गुरु जो बड़े ग्रह हैं वो 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और सूर्य अपना 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके कन्या में ही रहेंगे पूरे महीने और बाकी जो प्लेनेट हैं वो पहले की तरह ही बैठे हुए हैं, सिर्फ उनमें थोड़ी सी स्थिति में चेंज हुआ है, कोई कोई ग्रह वक्री हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सिंपल चंद्रमा के मूवमेंट के ऊपर बताऊंगी। देखिए, मेष वालों के लिए अगर बात करें तो आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम रहेगा, 6:30 AM तक का, वहां पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ग्रह स्थिति रहेगी। सारे आपके कार्य बनेंगे, व्यापार, बिजनेस, आर्थिक लाभ, यात्राओं से फायदा, पैसों का लाभ, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। यहाँ पर आप किसी को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, पार्टनरशिप दे सकते हैं किसी को साथ में, और आप यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को प्रपोज कर सकते हैं। ये वो टाइम रहेगा जब आप अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई भी मतभेद वगैरह हो तो उसको आप मिल बैठ करके सुलझा सकते हैं। यहाँ पर आपको मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा सभी कुछ मिलेगी, सारे कार्य आपके यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12
बच के 30 मिनट तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये टाइम पीरियड मेष वालों को बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, किसी से कोई बातचीत ज्यादा नहीं करनी है। मेंटली इमोशनली आप बहुत लो रहेंगे, नेगेटिव फील करेंगे, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, हेल्थ में प्रॉब्लम, ये सब चीजें रहेंगी। तो पैसों का लेन देन बिल्कुल मत करिएगा। कोई बड़े कार्य, महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग, पेपर पे साइन करना, किसी नए काम की शुरुआत करना, ये सब आपको यहाँ पर नहीं करनी है। अदरवाइज उसमें आपको या तो वो काम आपका आगे चल करके रुक जाए, या उसमें कोई आपको प्रॉफिट ना हो, अनावश्यक उसमें बाधाएं आए, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। यहाँ पर आप अपने मन का ध्यान रखिएगा। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 12:30 से शनिवार रविवार शाम तक का जो टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा, ये औसत समय रहेगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए यात्राएं हो रही हैं, धार्मिक यात्राएं, या फिर आपकी कोई एजुकेशनल टूर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फादर के साथ में आपको बना करके चलने की जरूरत है। और इस समय पर आपके पिता के साथ कोई वैचारिक मतभेद, कहासुनी, वाद विवाद, ये सब हो सकता है। समय औसत सा रहेगा। इसी के साथ साथ जितने भी मेष वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए नौकरी के दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों की सूर्य और मंगल की दशाएं वगैरह चल रही होंगी, तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स, नौकरी, इन सब क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थितियां आपके लिए थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ में बनी हुई हैं। व्यापार, बिजनेस, हायर स्टडीज, बच्चों से संबंधित और उच्च शिक्षा और भाग्य से संबंधित जो चीजें हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दे रही हैं। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, घर के जो सुख होते हैं, उसके लिए भी स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको रचनात्मक कार्यों से लाभ होगा। गवर्नमेंट से बहुत अधिक लाभ होने के योग आप लोगों के लिए दिखाई पड़ रहे हैं आने वाले सप्ताह में। तो बहुत अच्छी स्थिति है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से भी आप थोड़ा थोड़ा सा बना करके चलिएगा, क्योंकि जो स्थितियां हैं अभी आपकी, पहले की तुलना में तो काफी रिलीफ मिल रही है। इसके बावजूद भी बड़े निर्णय भी आप अपने मैरिड लाइफ से संबंधित या पार्टनरशिप से संबंधित मत लीजिएगा। थोड़ा सा भी आप रुक जाइए अक्टूबर तक, उसके बाद ही करिएगा। अगर आपकी बुध की, सूर्य की, मंगल की दशाएं चल रही होंगी, शुक्र की दशांतर प्रत्यंतर चल रही होगी, या फिर गुरु की भी चल रही होगी, तो ये सारे प्लैनेट ही आपको अच्छे रिजल्ट देने में पूरी तरीके से सक्षम है। वर्क प्लेस पे जो स्थितियां हैं आप लोगों के लिए, वो थोड़ा सा अधिक अभी आपको काम करना पड़ रहा है। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये बहुत सफलताएं लेकर के आएगा। यात्राओं से लाभ, रुके अटके कार्य बनेंगे, रोग ऋण शत्रु एनिमी सबको आप अच्छे से डिफीट करेंगे। तो आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है, उसका आप लोग लाभ ले लीजिए। कोई भी कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय आपके लिए बहुत पक्ष का है। कोई फॉर्म फिलअप करना है, भर सकते हैं। किसी तरह का केस मुकदमा दायर करना है, वो सब आप इस टाइम पीरियड पर करिए। कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप बैठ करके डॉक्टर से बात करिए, आपको अच्छे डॉक्टर, अच्छे मेडिसिन मिल जाएंगे। हर एक तरीके से आपके यहाँ पर सफलताएं मिलने के योग बनेंगे। जो भी सप्ताह में पीछे रुके अटके कार्य होंगे, वो सब कुछ यहाँ पर पूर्ण होकर के आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वृषभ वालों के लिए, ये आपके लिए बहुत लाभ देगा। यात्राओं से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसका आप लोग फायदा लीजिए। आर्थिक लाभ होगा, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा मिलेगी आपको। यहाँ पर जो खुदरा व्यवसायी होते हैं, उनको बहुत अधिक फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सोसाइटी में आपको कोई नेम फेम मिल जाना, किसी तरह का पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ हो जाना, दाम्पत्य में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में बैठिए, बात करिए, आपकी चीजें सुलझ जाएंगी। यहाँ पर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, या आप किसी को अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस में आप किसी को भी अपना साझेदार बना सकते हैं। जैसे कि लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो इस समय पर जिस व्यक्ति को आप लेकर के आएंगे, वो आपके लिए काफी भाग्यशाली साबित होगा। इस तरह के योग बनेंगे आपके लिए। फिर शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर के रविवार पूरा जो शाम का टाइम पीरियड रहेगा वृषभ वालों के लिए, यहाँ पर ये समय थोड़ा सा आपका सेंसिटिव है। बिल्कुल शांति से आपको रहना है, कोई वाद विवाद नहीं करना है, किसी के साथ में बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी है। यहाँ पर आप मेंटली इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से मेंटली थोड़ा सा आप नेगेटिव मोड में रहेंगे। डिप्रेशन, अनावश्यक जो एक तरीके से जो बहुत गलत सोच विचार मन में आते हैं, हीन भावना जो मन में आती है, इस तरह की मन स्थिति रहेगी। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ, मंत्र जाप, इस तरह के कार्यों पे आप अपने आप को लगाइएगा। और बड़े निर्णय नहीं करना है, कहीं पेपर पे साइन नहीं करना है, इस समय पर कोई मीटिंग नहीं करनी है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य का डिसीजन नहीं लेना, कोई भी पैसों का लेन देन मत करिएगा। और
कोई नए काम का प्रारंभ भी मत करिएगा, अदरवाइज वो काम या तो अवरुद्ध हो जाएगा या उससे आपको फायदा नहीं होगा या उस काम में आपको अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों को, आपको यहाँ पर यात्राओं से फायदा होगा। आपके जो छोटे भाई बहन वाले लोग हैं, भाग्य पिता, इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी और जो भी संबंध वगैरह थोड़े भाई बहनों से बिगड़े होंगे वो सब चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं, उसमें आपको फायदा हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड आपको गवर्नमेंट से फायदे के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी से माध्यम प्रॉपर्टी वगैरह के माध्यम से आपको फाइनेंशियल गेन होना, इस तरह की स्थितियां आपके लिए बनेंगी। और गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं वहां से आपको बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और आपको यहाँ पर जो आपके खर्चे हैं वो आपके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन या परिवार के ऊपर हो सकते हैं। जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़ करके कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ग्रह गोचर सपोर्ट कर रहे हैं। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस में कोई बहुत बड़े बदलाव भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं मिथुन के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये सामान्य है। यहाँ पर आपको बच्चों के साथ में बहुत बना करके चलना है। जिनके बच्चे छोटे हैं उनका ध्यान रखिए, जिनके बच्चे बड़े हैं उनके साथ भी बहुत तालमेल बना करके चलिए। वो आपका कहना नहीं माने, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। या जो बच्चे स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर पढ़ने लिखने से मन हटेगा, भटकेगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है उनका अपने पार्टनर के साथ में मतभेद, मनभेद, डाउट, शंका, मतलब कि आप कोई ना कोई वजह ढूंढ करके लड़ने झगड़ने का प्रयास करेंगे तो शांति से इस टाइम को निकालिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप अपने आप को क्रिएटिव वर्क से जोड़ लेंगे तो यहाँ पर आपको फायदा हो जाएगा। इसके बाद बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मिथुन वालों के लिए, ये आपके लिए सफलताएं लेकर के आ रहा है। यहाँ पर आपके सारे रुके बिगड़े काम पूरे होंगे, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सफलता मिल रही है। किसी भी तरह का आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब यहाँ पर दूर होगी। अगर आप अच्छा डॉक्टर चाहते हैं, मेडिसिन चाहते हैं, वो सब आपको मिलेगी। कोई आपको फॉर्म फिलअप करना है समय पर भरिए, वो आपके लिए बहुत सफलता का कारण बनेगा। जो लोगों के डिस्प्यूट चलते हैं, किसी के साथ वाद विवाद होता है तो कोर्ट कचहरी में मुकदमे दायर किए जाते हैं, अगर इस समय पर आप करते हैं तो वहां पर आपके विजय होने की बहुत संभावनाएं बनेंगी। ये समय हर तरीके से आपको सफलताएं दिला रहा है और लाभ दिलवा रहा है। नौकरी से लाभ, यात्राओं से लाभ, व्यापार, बिजनेस, मान सम्मान, यश प्राप्ति, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर के शनिवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मिथुन वालों के लिए, ये आपको वापस सपोर्ट करेगा। व्यापार, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। यहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे। खुदरे जो व्यापारी होते हैं, खुदरा व्यापार व्यवसायी होते हैं, जिनके यहाँ लोग रोज आते हैं और सामान खरीद के जाते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा ग्राहक आना, पैसों का लाभ होना, प्रमोशन हो जाना, सोसाइटी में आपकी नेम फेम बढ़ जाना। यहाँ पर आपको पार्टनर के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ में, तो आप उसको बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं, आपकी बात बन जाएगी। या फिर किसी को अपने बिजनेस में आप लाना चाह रहे हैं, किसी को अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं व्यापार में, तो इस समय पर अगर आप उसको इन्वॉल्व करेंगे अपने बिजनेस में तो वो व्यक्ति आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा। या किसी को आप प्रपोज करना चाह रहे हैं, किसी के साथ आप रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं और उससे अपनी बात को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस समय पर करिए। वो आपको, वो व्यक्ति आपके लाइफ में परमानेंटली आ सकता है आपके लाइफ पार्टनर के रूप में। दूसरी चीज ये रहेगी कि ये समय हर तरीके से आपको आर्थिक लाभ दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसी के साथ साथ जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, ये जो समय है आप लोगों के लिए, देखिए कुछ आपके पैसे खर्चे भी होंगे और शुभ कार्यों के ऊपर खर्चे होंगे। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कुछ गैदरिंग कुछ आपको अटेंड करने को मिलेगी, जैसे कि जो अच्छे इवेंट होते हैं फैमिली में, कहीं घूमने जाना, किसी का घर में आना, कोई शादी ब्याह फंक्शन, इस टाइप की एक्टिविटीज आपके लाइफ में हो सकती है, जो कि बड़ी अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और दूसरा, आप लोगों को एक और अच्छी चीज हो रही है कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं या आईटी सेक्टर में है, टू ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन लोगों के लिए बहुत लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। इसी के साथ साथ ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आपको अपने घर का जो अंदरूनी ओवरऑल सुख होता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पर सडन उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अगर आप नौकरी, व्यवसाय या स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको फायदा मिल सकता है, व्यापार, बिजनेस से, बच्चों से, रचनात्मक कार्यों से आपको
लाभ के योग बराबर बने हुए हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। और जो आपके अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के साथ में आपको बहुत अच्छा संबंध बना करके रखना चाहिए। ये टाइम पीरियड रहेगा, जो लोग आईटी सेक्टर से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कुछ भी काम करते हैं, उनके लिए ग्रह योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका नौकरी वाला क्षेत्र है, जो सर्विस का एरिया होता है, वहां पर आपके जो भी एनिमीज वगैरह है वो आपके रास्ते से बिल्कुल हट जाएं, या आप उनको अच्छे से संभालने का काम करेंगे। कई बार क्या होता है कि वर्क प्लेस पे लोग आपके पीठ पीछे बहुत आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप पहचान पाएंगे और उनसे आप अपने आप उन लोगों को आप अपने रास्ते से हटा सकते हैं। इस तरह से समझिए। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क राशि लगन वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, काफी सेंसिटिव है। यहाँ पर आपको बिल्कुल शांत होकर रहना है। घर का अंदरूनी पक्ष थोड़ा सा शांत हो सकता है। आपको सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ, फीवर, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, या आपकी मदर की सेहत में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है, जो सीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर आपकी अपने माँ के साथ में कोई कहा सुनी वाद विवाद हो जाए। पारिवारिक पक्ष यहाँ पर आपका शांत रहेगा, तो मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ज्यादा किसी से बातचीत मत करिएगा, उलझिएगा मत, अदरवाइज आपका घरेलू पक्ष थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कर्क वालों के लिए, यहाँ पर आपको अपने बच्चों के साथ में बहुत बना करके चलने की जरूरत रहेगी। जिनके बच्चे छोटे हैं उनका ध्यान रखिएगा, जिनके बच्चे बड़े हैं उनके साथ अच्छे से फ्रेंडली ट्रीट करिएगा, नहीं तो वो आपका कहना नहीं मानेंगे या अपने मन की करेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपका पढ़ने लिखने से मन उचटने के योग बन रहे हैं। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ बिना बात के वाद विवाद होगा, तो शांति से रहिएगा, लड़िएगा मत, झगड़ा मत करिएगा आप लोग आपस में। और आपके मन में तरह तरह के डाउट, शंका आएंगे, अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, एक तरीके के कंफ्यूजिंग माइंडसेट में रहेंगे, तो बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा। अपना पूरा फोकस क्रिएटिव वर्क के ऊपर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर के रविवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कर्क वालों के लिए, ये आपके पक्ष का बन जाएगा। यहाँ पर आपको सफलताएं मिलेंगी, रोग, ऋण, शत्रु, एनिमी, सबसे आप अच्छे से फाइट करके बाहर निकलेंगे। फायदा होगा आपको नौकरी से, यात्राओं से, हरे तरीके से आपके कार्य बनेंगे, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, तो उसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। और ये टाइम रहेगा जब बहुत से बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कंपटीशन वाले फॉर्म आपको फिलअप करने हैं, वो सब आप काम कर सकते हैं, उसमें आपको आगे चल करके सफलता मिल सकती है। या फिर आपको किसी तरह का केस, मुकदमा दायर करना है, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो सब आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये समय आपके लिए हर एक तरीके से शत्रुओं से मुक्ति का टाइम पीरियड रहेगा। पैसे मिलेंगे, मान सम्मान, नौकरी में लाभ, हर एक तरीके से आपको समय सपोर्ट करेगा। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क वाले लोग हैं, देखिए ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में छिटपुट उतार चढ़ाव आ सकते हैं। और अपनी ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो वहां भी ध्यान रखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हेल्थ में। बच्चों से संबंधित या किसी तरह के रिलेशनशिप में है, वहां बहुत मेच्योरिटी के साथ में आपको रहना चाहिए। आर्थिक लाभ आपको कहीं ना कहीं से बराबर होते रहेंगे, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, नौकरी के ऊपर पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। जो आपका व्यवसाय वाला पक्ष है, प्रोफेशन वाला साइड है, वहां पर स्थितियां आपके लिए ओवरऑल ठीक है, लेकिन कोई बहुत बड़े बदलाव आपको नहीं करना चाहिए। और वर्क प्लेस पे साथ के लोगों के साथ में, जो आपके कलीग्स हैं या जो आपके बॉसेस वगैरह हैं, उनके साथ में आपको अपनी तरफ से कोई चीटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। ये टाइम पीरियड जो लोग रिसर्च, अध्यात्म, ईश्वर, इन क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए तो समय अच्छा है। अदरवाइज आपको अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इस सप्ताह में। और इसी के साथ साथ ये जो टाइम पीरियड है, कुछ खर्च हो रहे हैं परिवार के ऊपर आपको, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बजट का आप थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। जो लोग ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए ग्रह गोचर स्थितियां काफी अच्छी हैं। शत्रुओं को आप अच्छे तरीके से परास्त करेंगे। नौकरी से आपको फायदा का पूरा योग बना हुआ है। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए बहुत सफलताएं लेकर के आएगा। यात्राओं से लाभ होगा आपको, यहाँ पर आपके कार्य, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलेगी। हर एक तरह से आपके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। नौकरी में, बिजनेस में,
एक तरीके से जो सक्सेसफुल समय होता है, विजय वाली जो स्थितियां होती हैं, ऐसा कुछ रहेगा। आप आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, इन क्षेत्रों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी आपको लाभ मिल रहा है। किसी भी तरह के आप पीआर वीजा को अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पेपर रिलेटेड कुछ आपको वर्क करना है उसको आप यहाँ पर कर लीजिए। कोई फॉर्म फिलअप करना है या किसी भी तरह का ऐसा काम जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके आपका वो काम पूरा हो जाए, उसकी भी शुरुआत आप यहाँ पर करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। ये टाइम पीरियड आपको यात्राओं से, भाग्य से, हर एक तरीके से सफलता वाला समय रहेगा, उसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। इसके बाद बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का टाइम पीरियड जो रहेगा सिंह वालों के लिए, यहाँ आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहना है। आपको अचानक से स्वास्थ्य में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, छिटपुट सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड फीवर, या आपकी मदर के स्वास्थ्य में इसी तरह की दिक्कतें देखने में आ जाए, या आपका माँ के साथ में कोई कहा सुनी वाद विवाद हो जाए। घरेलू पक्ष यहाँ पर आपको थोड़ा सा शांत रहेगा, तो शांति से समय को निकाल लीजिएगा, बड़े निर्णय मत करिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर के रविवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर आपको अपने बच्चों से बहुत तालमेल बना करके चलना है। जिनके बच्चे छोटे हैं उनके आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनके साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिए, उनके साथ आपको बहुत फ्रेंडली ट्रीट करना है, नहीं तो वो आपका कहना नहीं मानेंगे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर आपका पढ़ने लिखने से मन भटक सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में है, आपका यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में मनमुटाव, मतभेद, डिफरेंस, डिस्टेंस, ये सब पैदा होगी। आपके मन में तरह तरह का शंका, डाउट करना, कोई ना कोई वजह ढूंढ करके लड़ने झगड़ने का आपका मन करेगा, तो इन चीजों से आप अपने आप को बचा करके रखिएगा। और ये समय रहेगा जब आपका मन थोड़ा सा अनिर्णय की स्थिति में रहेगा, तो आप अपने पूरे टाइम को वीकेंड के किसी भी क्रिएटिव वर्क के ऊपर लगा देंगे, तो आप इन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएंगे। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, देखिए ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए थोड़े से खर्चे करवाएगा। खर्चे जो रहेंगे आपके प्रोफेशन से जुड़ करके हो सकते हैं, या आप जर्नी पे भोग विलास के ऊपर कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी स्टडीज कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां अनुकूल है। एजुकेशन से जुड़ करके या कोई रिलीजियस आप यहाँ पर टूर ट्रेवल्स भी कर सकते हैं, आईटी सेक्टर वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको लाभ मिल रहा है। ये सप्ताह आप लोगों को अगर सूर्य और मंगल की दशाएं चल रही होंगी तो आपको आर्थिक लाभ के बहुत जबरदस्त योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और पैतृक संपत्ति से आपको यहाँ पर फायदा हो सकता है। यात्राओं से, भाग्य से आपको काफी लाभ की स्थितियां निर्मित तो हो रही हैं। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, व्यापारिक गतिविधियां आपकी बढ़ेंगी, लेकिन पार्टनर के साथ थोड़ा सा संबंधों का ध्यान रखिएगा, या उसके स्वास्थ्य में छुटपुट दिक्कत देखने को मिल सकती है। और ये समय रहेगा जब आपको कहीं ना कहीं से पैसों की तो प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लगन में बुध अभी चलेंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा पैसों के साथ साथ जहाँ पैसे व्यापार बिजनेस बढ़ाएंगे वहीं पे इसमें छिटपुट दिक्कत दे सकते हैं। कोई मेजर तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना रहेगा आपको। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं आप लोगों के लिए, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कन्या वालों के लिए, ये समय बहुत अवसर है। यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, तो अपनी भाषा शैली का, बोली का, वाणी का ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप लोग यहाँ पर खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, पैसों का लेन देन करते टाइम आपको सावधानी रखनी है। समय थोड़ा औसत रहेगा, आपको अपने स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे आपको लगेगा कि आप थके थके से हैं, टायर्ड फील करेंगे अपने आप को। किसी से बहुत अधिक बोलिएगा मत, और फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आपको यहाँ पर सावधानी से करने की जरूरत रहेगी। बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए फायदे लेकर के आएगा। यात्राओं से लाभ होगा, सारे आपके रुके बिगड़े अटके कार्य पूर्ण होंगे, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा मिलेगी। चाहे आपका नौकरी है या बिजनेस है, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई भी है, ये समय आपको हर तरीके से सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पर आप कुछ जर्नीस कर सकते हैं, कोई भी पेपर रिलेटेड वर्क है आप इसको यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई फॉर्म फिलअप करना है, पीआर वीजा के लिए अप्लाई करना है, या कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल के आपका वो काम पूरा हो जाए या आपकी वो विश कंप्लीट हो जाए, तो उसकी शुरुआत आप इस समय पर करिएगा, तो आपके लिए बहुत वो फायदा देने वाला रहेगा। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 12:30 मिनट से शनिवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कन्या वालों को, यहाँ पर आपको सावधानी रखनी रहेगी। ये समय रहेगा जब आपको स्वास्थ्य में अचानक से कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है, सर्दी जुकाम, बुखार,
कोल्ड का फीवर, माँ की सेहत में इसी तरह की दिक्कतें, या माता के साथ में कोई ऐसा वाद विवाद हो जाए, मनमुटाव हो जाए, घरेलू पक्ष यहाँ पर आपका थोड़ा सा शांत हो रहा है, मन में एक डर अननोन फियर रहेगा, तो इस समय को शांति से निकाल दीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए है, कंपटीशन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपके कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं परिवार के ऊपर, अगर आप फॉरेन जाने के लिए कुछ प्रयासरत हैं तो आप प्रयास करिए, आपके लिए प्रबल संभावना बनेगी, चाहे आप अपने व्यापार बिजनेस की वजह से या नौकरी की वजह से या स्टडीज की वजह से जाना चाहते हैं। 15-20 सितंबर के बाद और 30 अक्टूबर के बाद आपको विदेश से लाभ भी होगा और वहां पर जाने के प्रबल योग भी आपके बन जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पर नए रिलेशनशिप की ओर भी बढ़ सकते हैं, नया रिलेशनशिप आपको यहाँ पर मिल सकता है। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको अपने सेहत का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरह की जो जैसे फीवर है या कोई भी गर्म वाली चीजें होती हैं, जैसे कि फीवर हो जाना और गर्मी से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, चेहरे के ऊपर कोई फोड़े फुंसी निकल जाना, इस तरह की चीजें आपके साथ में हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों को बना करके चलिएगा, क्योंकि आपके लग्न में सूर्य और मंगल रहेंगे तो वो विवाह भाव को देखेंगे, तो वहां पर कई बार थोड़ा सा संबंधों में उतार चढ़ाव दे सकते हैं, इसलिए उस पक्ष पर आपको ध्यान रखना रहेगा। आर्थिक फायदा आपको हो रहा है और सबसे अच्छी चीज क्या है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आपको नौकरी व्यवसाय बिजनेस की वजह से मान सम्मान यश प्राप्ति की भी प्रतिष्ठा मिल सकती है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। बाहर जाने के आपके लिए योग निर्मित होंगे, नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से, या फिर किसी भी कारण से कुछ भी जरिया बनेगा और आपको बाहर घूमने का यहाँ पर मौका मिलेगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए, देखिए जितने भी तुला राशि और लग्न वाले लोग हैं आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थितियां रहेंगी, मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा मिलेगी, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, लोग आपके आसपास इस समय रहेंगे, मतलब कि आपके सारे कार्य जो है वो यहाँ पर पूर्ण होंगे, बहुत खुश महसूस करेंगे आप अपने आप को, तो चाहे बिजनेस है आपका, चाहे आपका पारिवारिक पक्ष है, हर तरह से यहाँ पर आपके लिए बड़ा सफलता से भरा हुआ समय रहेगा, इसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। इसके बाद बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा तुला वालों के लिए, ये समय थोड़ा सा औसत है। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा, खान पान, बोली भाषा, वाणी का, खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, पैसों का जो लेन देन किया जाता है उसको आप यहाँ पर बहुत सावधानी से करिएगा। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को बहुत लेजी फील करेंगे, कमजोर फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे, तो कोई बहुत बड़े निर्णय लेने हैं, कोई बहुत बड़ा काम करना है, मत करिएगा, थोड़ा सा रुक के फिर आगे बढ़िएगा। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर के रविवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा तुला वालों के लिए, ये आपके लिए बहुत लाभ देना शुरू करेगा। यहाँ से आपके सारे रुके बिगड़े अटके कार्य पूर्ण होंगे, यात्राओं से आपको फायदा हो जाएगा, नौकरी व्यवसाय बिजनेस में लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, भाग्य प्रसाद, इन सब क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग बन जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके IT, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं बहुत फायदा होगा आपको। पेपर रिलेटेड कोई भी वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम है उसको आप यहाँ पर पूरा करिए, PR वीजा अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको पेपर पे साइन करनी है, मीटिंग करनी है, किसी भी ऐसे काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसको आप चाहते हैं कि वो काम आपका आगे चल करके पूर्ण हो जाए, उसकी शुरुआत आप यहाँ पर करिएगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलने के योग बनेंगे। और कोई भी ऐसी चीज जिसको आप चाहते हैं कि आगे चल करके वो विश आपकी कंप्लीट हो जाए, उसकी शुरुआत भी आप यहाँ पर करेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। ये समय रहेगा जब आपको मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा मिलेगी, घर के अंदर सुख सुविधाओं का बढ़ता हुआ कुछ योग बनेगा कि घर के अंदर कुछ लग्जरियस आइटम आप लेकर के आए, आपको आर्थिक लाभ यहाँ पर होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं वहां आपको फायदा हो जाएगा। ये समय आपसे कुछ खर्चे भी करवाएगा, जो खर्चे होंगे डॉक्टर हॉस्पिटल व्यर्थ की चीजों के ऊपर खर्चे होने के भी योग बनेंगे, तो प्रयास करिएगा कि उसको आप चैरिटी के ऊपर लगा दीजिएगा, दान धर्म इन चीजों में पैसे अपने लगा दीजिएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसको मन लगा करके पढ़िए, परिवार के अंदर से अचानक से आपको कुछ आर्थिक फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से लाभ के योग बराबर आपके लिए बने हुए हैं। और ये जो समय है आप लोगों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, अभी आपके लगन पे केतु चल रहा है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिएगा। स्वास्थ्य का मतलब कि कोई मेजर आपको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेंटली जो एक
परेशानी जैसी स्थितियां रहती हैं वो सब कुछ भी आपके साथ में बनी हुई हैं। तो बाकी पक्ष तो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अपने खुद के निर्णयों का अच्छे से केयर करिएगा। ये समय आपको काफी आर्थिक लाभ करवाएगा। जो लोग किसी भी तरह की ट्रेडिंग से जुड़ करके कार्य करते हैं उनके लिए बड़े लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस आपको सपोर्ट दे रहा है, अगर शुक्र की दशाएं वगैरह चल रही होंगी। लेकिन अपने वर्क प्लेस पे किसी तरह के रिलेशनशिप में आप मत इन्वॉल्व होइएगा जिसके चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, बहुत ज्यादा यहाँ आपको सावधानी रखनी है। यात्राएं बिल्कुल मत करिएगा, अनावश्यक व्यय, खर्चे, व्यर्थ की दिक्कतें डॉक्टर्स के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर और इस तरह के चीजों के ऊपर आपके पैसे जाने के योग हैं। इन्वेस्टमेंट से अपने आप को बचा करके रखिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिएगा, उसके लिए समय ये उतना अनुकूल नहीं रहेगा। माँ की सेहत का ध्यान रखना है। यात्राएं अगर बहुत जरूरी होंगी तो ही करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। उस जर्नी से आपको कोई फायदा नहीं होगा, पैसे आपके व्यर्थ के वहां पर वेस्ट हो जाएंगे। बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके लिए सफलताएं लेकर के आएगा। यहाँ पर आपके सारे बिगड़े रुके अटके कार्य पूर्ण होंगे, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। ये समय रहेगा जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ में, पारिवारिक लोग हों आपके या आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हों, वर्क प्लेस के लोग हों, सभी के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे और बड़े प्रसन्नचित रहेंगे। यहाँ पर हर तरीके से आपके कार्य बनेंगे तो आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर के रविवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वृश्चिक वालों के लिए, ये थोड़ा सा औसत समय रहेगा। यहाँ पर अपनी बोली, भाषा, वाणी, खान पान का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। किसी तरह का जो पैसों का लेन देन होता है, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको यहाँ पर अवॉइड करिएगा, मत करिएगा, अदरवाइज उसमें आपको संतोष नहीं मिलेगा। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे, तो बड़े निर्णयों की दृष्टि से टाइम उतना आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसी के साथ साथ देखिए, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, ये समय आप लोगों के लिए गवर्नमेंट से फायदा के योग बनाएगा। जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़ करके कार्य करते हैं, वहां से आपको बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। बच्चों से आपके लाभ की स्थितियां निर्मित तो हो सकती हैं। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा के योग आपके लिए बनेंगे अगर आपके सूर्य और मंगल की दशाएं चल रही होंगी। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ पैसे के खर्चे के योग बराबर बने हुए हैं। आपके पिता के ऊपर या फिर हायर स्टडीज के ऊपर, अगर आप सेल्स टू ट्रेवल्स मार्केटिंग के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको लाभ मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। कंस्ट्रक्शन निर्माण आपका बराबर बना हुआ है, लेकिन घरेलू पक्ष का आपको ध्यान रखना चाहिए। वहां की स्थितियां थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको दिखा सकती हैं। देखिए, पैसों की दृष्टि से अगर आपके गुरु की और पैसों की दृष्टि से बात करते हैं, तो जिन लोगों की राहु और गुरु की दशाएं चल रही होंगी, पैसे आपको अवश्य आएंगे। विदेशों से आपके संपर्क बने रहेंगे। पैसे रुक रुक के ही क्यों ना आए, लेकिन आर्थिक लाभ आपको बराबर होता रहेगा। उस दृष्टि से समय अच्छा है। थोड़ा सा धर्म, आध्यात्म, मोक्ष, ईश्वर की ओर भी आपका रुझान बना रहेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ये पूरा का पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, बैंकिंग में, फाइनेंस के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, जितने भी धनु राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, बहुत अच्छा है। आर्थिक लाभ आपको हो रहा है। सरकार से, बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल के लोग से आपको बहुत सपोर्टिंग समय देखने को मिलेगा। अचानक से आपको पैसों की प्राप्ति होगी। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा यहाँ पर मिल रही है। कुछ विशेष आपकी कंप्लीट हो सकते हैं या पहले का निवेश किया हुआ कुछ पैसा आपका यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अचानक से आर्थिक लाभ हो जाएगा। फिर बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर धनु वाले लोगों को बहुत सावधानी रखनी है। अचानक से आपके पैसे खर्च होना शुरू होंगे, निरर्थक यात्राएं हो सकती हैं, उसके ऊपर पैसों का व्यय हो जाए। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रुक जाइएगा, वो आपको फायदा नहीं करेगा या उसमें आपको आगे चल करके लॉसेस हो जाए। माँ की सेहत में किसी तरह की दिक्कत आ सकती है। ये समय रहेगा जब डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर आपके पैसे जा सकते हैं, तो प्रयास करिएगा कि थोड़ा सा दया, धर्म, चैरिटीज, लोगों की मदद, इन चीजों के ऊपर अपने पैसों को खर्च कर दीजिएगा। उससे आपको मेंटल
पीस भी मिलेगी और आपके लिए जो दिक्कतें रहेंगी वो भी थोड़ी सी कम होते हुए आपको मिलेंगी। फिर शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर के रविवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा धनु वालों के लिए, ये समय आपके लिए वापस सपोर्ट करना शुरू करेगा। यहाँ पर आपको मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा मिलेगी, लोगों का आपको बहुत लगाव और बहुत स्नेह मिलेगा, लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर से आपके लिए बहुत ही सहयोगी स्थितियां निर्मित होंगी। आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में और अपने प्रोफेशनल जो आपके लोग हैं, आसपास के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी के साथ में बड़ा खुशहाल बहुत अच्छा सा समय व्यतीत करेंगे। मतलब कि आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके कार्य पूर्ण होंगे, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, सारे कार्य आपके बनेंगे, तो आपको ये समय बड़ा ही बहुत आपको खुशियां देने वाला ये समय रहेगा। तो उसका आप लोग फायदा ले लीजिएगा। किसी के साथ में मिलना है, बात करनी है, उसके लिए समय बहुत लाभ दे रहा है आप लोगों के लिए। इसी के साथ साथ देखिए जितने भी धनु वाले लोग हैं, ये जो पूरा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। पॉलिटिक्स में है उसके लिए बहुत अच्छा है। ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके जो कार्य करते हैं, आईटी ट्यूटोरियल्स, मास मीडिया या विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, उनके लिए भी ग्रह स्थितियां अच्छी हैं। स्टूडेंट के लिए समय अनुकूल है, सरकार से फायदा आपको हो रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज है। अचानक से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है अगर आपकी शुक्र की दशाएं चल रही होंगी, और गवर्नमेंट सेक्टर से आपके लिए प्रमोशन वगैरह के भी योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, या नौकरी के क्षेत्र में आपका कुछ बहुत अच्छा हो जाए, ऐसी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। जिन लोगों की बुध की दशाएं वगैरह चल रही होंगी उनके लिए जबरदस्त न्यू जॉब या प्रमोशन के भी योग दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी तरह का जो बड़ा डिसीजन होता है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से जुड़ करके हो या आपकी पढ़ाई लिखाई इन्वेस्टमेंट से जुड़ करके हो, उसको आपको देख करके लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पंचम भाव में गुरु और राहु बराबर बैठे हुए हैं, लेकिन पहले की तुलना में आपके लिए स्थितियां काफी कुछ रिलीफ दे रही हैं, सरकार से आपको फायदा हो सकता है। ओवरऑल धनु वालों के लिए पहले की तुलना में अब समय काफी अच्छा हो रहा है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए जितने भी मकर राशि और लग्न वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा बहुत एक्सेलेंट है। नौकरी व्यवसाय बिजनेस प्रमोशन में आपको लाभ मिल रहा है, कार्य व्यवसाय बिजनेस आपका प्रोग्रेस की हो जाएगा, अधिकारी आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगे, जो साथ के लोग हैं वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप अपने बॉस से काफी अच्छा फायदा ले सकते हैं, चाहे किसी तरह का आपको बोनस लेना है, इंक्रीमेंट लेना है या प्रमोशन वगैरह लेना है, तो आप अपने बॉस से मिलिए, बात करिए, आपको फायदा हो जाएगा। फिर बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, आर्थिक लाभ लेकर के आ रहा है, अचानक से पैसे प्राप्त होंगे, मान सम्मान इस प्राप्ति प्रतिष्ठा मिलेगी, या कुछ आपके विश यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है। पैसों का आपको बहुत फायदा होगा, चाहे आपके फ्रेंड हो, अधिकारी हो, या आपके बड़े भाई बहन लोग हों, सभी लोग आपके लिए बड़े सहयोगी बन जाएंगे। नेम फेम प्रसिद्धि आर्थिक लाभ बहुत ही सफलता से भरा हुआ एक टाइम पीरियड रहेगा। शुक्रवार दोपहर 12 बजे 12:30 से लेकर के रविवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मकर वालों के लिए, यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, अचानक से खर्चे होंगे, अनावश्यक व्यय होंगे, डॉक्टर्स हॉस्पिटल इसके ऊपर आपके पैसे जाने के योग बनेंगे, मदर की सेहत में कुछ दिक्कत आ सकती है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह आप कर रहे हैं तो वहां रुक जाइएगा, उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस बन जाएंगे। ये समय व्यय का रहेगा, निरर्थक यात्राओं का रहेगा, तो इन चीजों से आपको बचाव करना है। पैसों को आप अपने चैरिटी, दया, दान धर्म, इन चीजों के ऊपर लगा दीजिएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ साथ देखिए जितने भी मकर वाले लोग हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आपके लिए नौकरी व्यवसाय बिजनेस की दृष्टि से अच्छा है। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं वो अपने लिए मैरिज की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, अगर आपकी शुक्र की दशाएं चल रही होंगी, ये समय आपको विदेशों से लाभ दिलवाएगा, ससुराल पक्ष से आपके संबंधों को ठीक करने में मदद करेगा। आर्थिक लाभ के लिए जो स्थितियां बनती हैं वो आपके लिए रुक रुक करके बराबर बनी हुई हैं। कुछ भी आप कंस्ट्रक्शन, निर्माण, प्रॉपर्टी, व्हीकल से संबंधित कोई निर्णय करना चाहते हैं तो अब आप उसको धीरे धीरे करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी और रुक जाइए, 15-20 सितंबर तक या 30 अक्टूबर के बाद आप अपने किसी भी जो आपके डोमेस्टिक एरिया से जुड़े हुए बड़े डिसीजन है उनको लीजिएगा। माँ की सेहत से संबंधित जो प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी वो थोड़ा सा कम होंगी, ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। ये समय रहेगा जब आपको आर्थिक लाभ होगा पिता से या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर के, कुछ आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। जो लोग आईटी सेक्टर, टू ट्रेवल्स, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ग्रह स्थितियां काफी सपोर्ट कर रही हैं। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अनुकूलता से भरा हुआ है, उसका आप लोग फायदा ले लीजिए। वाणी का थोड़ा सा आपको ध्यान अभी भी रख करके चलना चाहिए, कड़वी वाणी आपको नहीं बोलना है, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। ये सप्ताह आपको जर्नीस करा रहा है। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए जितने भी कुंभ राशि और लग्न वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा,
यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ यात्राएं देखने को मिलेंगी, एजुकेशनल टूर, धार्मिक यात्राएं, लेकिन समय औसत रहेगा। पिता के साथ वाद विवाद हो सकता है या पिता के सेहत में किसी तरह का उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर पढ़ने लिखने की ओर अपना समय व्यतीत करेंगे फिर भी ठीक रहेगा, अदरवाइज ये समय आपको थोड़ा सा असंतोष दे सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं। बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कुंभ वालों के लिए, ये बहुत अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस सब जगह आपके कार्य सिद्ध होंगे, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। जो आपके बॉसेस वगैरह हैं वो आपके लिए काफी सपोर्टिंग हो जाएंगे। तो जो लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अपने बॉस से मिल करके सैलरी लेना है, इंक्रीमेंट करवाना है, प्रमोशन करवाना है, इन चीजों के बारे में आप बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। वो आपकी बात को मान जाएंगे, सपोर्ट करेंगे आपके लिए, साथ के लोग आपके लिए बड़े सहयोगी होंगे। व्यापार, बिजनेस है, वहां आपको लाभ मिल सकता है। उसके बाद शुक्रवार दोपहर 12:30 से लेकर के शनिवार शाम तक का जो टाइम पीरियड रहेगा कुंभ वालों के लिए, ये आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर के आ रहा है। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, आर्थिक लाभ हो जाना, सडन आपको कहीं से पैसे मिलना या कोई विश आपके कंप्लीट हो जाना, बड़े भाई बहन मित्र वगैरह आपके लिए यहाँ पर काफी सहयोग देते हुए आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, देखिए ये समय जो आप लोगों के लिए है नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, पैसे से संबंधित चीजों के लिए काफी कुछ सपोर्ट कर रहा है। अगर आपकी गुरु और राहु की स्थितियां होंगी, प्रयास करते रहिए। 15-20 सितंबर और 30 अक्टूबर के बाद काफी अधिक संभावना है कि आपके प्रोफेशन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, मतलब कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाए या कुछ आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। विदेशों से संबंध आपके बराबर बने हुए हैं, खर्चे आपके हो रहे हैं, खर्चों को सही रूप दीजिएगा। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, इन चीजों के ऊपर आपके पैसे नहीं जाने पाए। सार्थक यात्राएं आप करिएगा और पैसों को निवेश का फॉर्म जरूर दीजिएगा, और चैरिटीज आप बराबर करते रहिए जिससे आपको सेटलमेंट का अच्छे से फ्यूचर में फायदा मिल पाए। शुक्र की अगर बात करते हैं आप लोगों के लिए, तो देखिए जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ हो रहा है, उनके लिए लाभ हो रहा है, किसी तरह के आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये टाइम पीरियड रहेगा कुंभ वालों के लिए कि नौकरी से जुड़ करके आपको बहुत फायदा हो जाएगा, जो भी आप सर्विस करते हैं वहां पर आपको लाभ हो सकता है, लेकिन मदर की सेहत और पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। नौकरी से जुड़ करके आप लोग कुछ यात्राएं भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज है। और ये समय आप लोगों को व्यापार, बिजनेस और आर्थिक लाभ की दृष्टि से समय आपको काफी कुछ लाभ दे रहा है। स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपका प्रेजेंटेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए, उसको लेकर के थोड़ी सी सजगता बरतिएगा। और इसी के साथ साथ ये समय रहेगा जो लोग डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सर्जन हैं, उनके लिए ये समय बहुत लाभ देगा। किसी भी तरह का आप डाटा एनालिटिक रिसर्च के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, फायर ब्रिगेड या जो भी चीजें जमीन के अंदर से जुड़ करके होती हैं, वहां के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है उसकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल गेन यहाँ पर बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे तो यहाँ पर वो लोग मैरिज की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पार्टनर की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान यहाँ पर रख करके चलने की आवश्यकता रहेगी। और फादर और मदर के स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें होती हैं उसका भी आप ध्यान रखते रहिएगा। नौकरी की वजह से आपको कुछ टूर दिखाई पड़ रहे हैं। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। देखिए जितने भी मीन राशि और लग्न वाले लोग हैं, सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मीन वालों को, यहाँ पर बहुत सावधानी रखनी है। ये जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है, मेंटली इमोशनली आप काफी डाउन रहेंगे, लो रहेंगे, डिप्रेशन, नेगेटिविटी आपके अंदर भरी रहेगी। तो कोई भी बड़े काम नहीं करने हैं, मीटिंग नहीं करनी है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, कहीं पेपर पे आपको साइन नहीं करनी है, कोई भी बड़ी बिजनेस डील करनी है नहीं करिएगा, किसी भी नए काम की शुरुआत मत करिएगा। कोई भी बिजनेस हो, नौकरी हो, ज्वाइनिंग वगैरह होता है उसको नहीं करना है। यहाँ पर कोई यात्राएं भी करनी हो तो टालने का प्रयास करिएगा। ये समय सिर्फ अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर मन जो आपका रहेगा वो बड़ा कमजोर रहेगा, डरा डरा सा रहेगा, नोन फियर मन में। तो कोई भी बड़े काम, इंपॉर्टेंट कार्य करना है, पैसों का लेन देन करना है, मत करिएगा। इस समय में आपको लाभ नहीं होगा बल्कि आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, इससे सारी इंपॉर्टेंट चीजों से अपने आप को बचा करके रखिएगा। फिर बुधवार सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मीन वालों के लिए, ये थोड़ी सी यात्राएं लेकर के आएगा, एजुकेशनल टूर या धार्मिक यात्राएं आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन पिता की सेहत में छिटपुट उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है या पिता के साथ आपके कोई कहा सुनी वाद विवाद, वैचारिक मतभेद हो जाए, समय थोड़ा सा औसत रहेगा, चीजें आपके लिए उतनी अनुकूलता देती हुई नहीं दिखाई पड़ेंगी। एजुकेशन पे अगर आप टाइम अपना लगाएंगे पढ़ने लिखने पर तो आपको ये समय थोड़ा सा लाभ दे सकता है। इसके बाद शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर के शनिवार शाम
तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर मेन वालों के लिए नौकरी व्यवसाय बिजनेस से जुड़ करके पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलना, कार व्यवसाय बिजनेस में मन मुताबिक परिणाम मिलना, हर एक तरीके से प्रोफेशनल नौकरी आपके पक्ष में जाएगी। जिनकी दशाएं वगैरह अच्छी होंगी उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। कोई प्रमोशन ड्यू है वो यहाँ पर हो सकती है, बिजनेस आपके मन मुताबिक ग्रोथ पाता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। मतलब कि प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत अच्छा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप अपने अधिकारियों से मिलिए, उनसे बात करिए अपने इंक्रीमेंट के लिए, बोनस के लिए, प्रमोशन के लिए, वो आपका कहना मान जाएंगे। इसी के साथ साथ जितने भी मेन वाले लोग हैं, ये पूरा सप्ताह आप लोगों के लिए नौकरी वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वहां पर आप प्रयास बराबर बना करके रखिए। 15-20 सितंबर के बाद बहुत संभावना बढ़ेगी कि आपको कोई न्यू जॉब मिल जाए। और दूसरी चीज ये है आप लोगों के लिए कि खर्चे आपके बराबर बने हुए हैं, तो गलत चीजों पे, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इस चीज के ऊपर आपके पैसे नहीं खर्च होने पाए। इसलिए आप प्रयास करिएगा कि इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा, कहीं पे कुछ ना कुछ पैसों को इन्वेस्ट कर दीजिएगा और चैरिटीज बराबर करते रहिएगा, जिससे सैटर्न आपको आगे चल करके अच्छा लाभ दे। अगर आप रिसर्च उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको शनि बहुत लाभ करवाएंगे। ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों को यहाँ पर रचनात्मक कार्यों से फायदा होगा, किसी तरह के रिलेशनशिप में भी आप बढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं उनको फायदा होगा, और कुछ लोगों के नए रिश्ते में जाने की संभावना भी बनेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की ओर बराबर फोकस बना करके रखिए, माइंड आपका इधर उधर जा सकता है। अगर आप पूरा प्रयास करेंगे पढ़ने की ओर तब आपको फायदा मिलेगा, अदरवाइज आपका मन उचटने के भी योग बनेंगे, या पढ़ाई में किसी तरह के जो व्यवधान होते हैं वो आ सकते हैं। रचनात्मक कार्यों से आपके लिए लाभ के योग बराबर बने हुए हैं। ये समय रहेगा आप लोगों के लिए जब आपको व्यापार बिजनेस में फायदा होगा, लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ का जो एडजस्टमेंट होता है उसको बराबर मेंटेन करके रखिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सूर्य मंगल की दशाएं चल रही होंगी तो जहां पर आपको पार्टनर से आर्थिक लाभ होगा, वहीं पर थोड़ा बहुत ईगो क्लैशेस भी होते रहेंगे, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से आप लोगों के लिए पूरा ये रिजल्ट दे रहे हैं। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो इस सप्ताह है, एक मिला जुला प्रभाव देगा, और बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित ये प्रिडिक्शन होती है, तो इसको आप लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ मैं। और फिर कोई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।